10 मिनट 50 खबरें। सियाचिन में बर्फीले तूफान में फंसे सेना के 10 जवानों के शहीद होने की सेना ने की पुष्टि। शवों की तलाश जारी। सुबह बुधवार आया था बर्फीला तूफान। शहीद हुए 10 जवानों का संबंध मद्रास बटालियन से था। 9 जवान और एक जेसीयू हुए हादसे का शिकार। कैंप के पास कर रहे थे पेट्रोलिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। गुरुवार को एलजी नजीब जंग और तीनों मेयर से मिले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। गतिरोध फिर भी बरकरार। बैठक के बाद मेयर का बयान। सिसोदिया ने माना एमसीडी को 300 से 400 करोड़ की जरूरत। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लिखी चिट्ठी। एमसीडी अस्पतालों के अधिग्रहण की संभावनाएं तलाशने और प्रक्रिया शुरू करने को कहा। एमसीडी हड़ताल से जुड़ी याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से चल रहे केस का दिया हवाला। आज असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गेल के असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। आध्यात्मिक संस्था श्री माता संस्कार संघ के 85वें सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। डिब्रूगढ़ के मोरान पोलो ग्राउंड में होगा आयोजन। गुवाहाटी में साउथ एशियन खेलों का भी होगा आगाज। शाम 5 बजे पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। विशाखापट्टनम में आज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का दूसरा दिन। 50 से ज्यादा देशों के 70 युद्धपोत कर रहे हैं ताकत की नुमाइश। निजी क्षेत्र में आरक्षण का फिर निकला जिन। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने की कानून बनाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में डीडीसीए मामले में अरुण जेटली के केस पर सुनवाई। कोर्ट ने केजरीवाल समेत तमाम आरोपियों से मांगे थे दस्तावेजों की मूल प्रति। बैंगलोर में तंजानियाई मूल की लड़की से बदसलूकी मामले में हरकत में आया विदेश मंत्रालय। जांच के लिए बैंगलोर भेजेगा टीम। विदेश मंत्री ने घटना पर कर्नाटक सरकार से मांगी रिपोर्ट। तंजानिया दूतावास ने मामले को बताया रंगभेद की घटना। विदेश मंत्रालय के हरकत में आने के बाद जागी बैंगलोर पुलिस। 2 दिन बाद दर्ज किया केस। 5 आरोपी गिरफ्तार। नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर लगाई रोक। अदालत ने कहा स्कूलों की ऑटोनॉमी नहीं छीन सकती सरकार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी सरकार। कहा बच्चों को सुलभ शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी। दिव्यांश मामले की सीबीआई जांच की मांग के लिए दिल्ली में निकाला गया कैंडल मार्च। दिव्यांश का परिवार भी हुआ शामिल। दिव्यांश के घर पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। परिवार से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में हिट एंड रन केस में सुनवाई। सलमान खान ने कोर्ट में कैविएट के जरिए रखे अपना पक्ष सुनने की मांग। शाहरुख और सलमान के खिलाफ याचिका हुई खारिज। मेरठ की अदालत में रिवीजन पिटीशन एडमिट। 8 मार्च को होगी सुनवाई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के सामने पेश होने का दिया था आदेश। आदर्श घोटाले की जांच के घेरे में आए अशोक चव्हाण। राज्यपाल ने दी चव्हाण के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी। चव्हाण ने फैसले को बताया राजनीतिक। अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने की लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात। आतंक के खिलाफ लड़ाई पर की चर्चा। तेईस से शुरू होगा बजट सत्र। 25 फरवरी को पेश होगा रेल बजट। 29 फरवरी को आएगा आम बजट। 2 हिस्सों में 13 मई तक चलेगा सेशन। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का महिला कार्ड। पंचायत चुनाव में 50% तक हो सकता है महिलाओं का कोटा। गोवा पुलिस ने आईएसआई से जुड़े होने के शक में युवक को गिरफ्तार किया। रिटायर्ड आर्मी अफसर का बेटा है आरोपी समीर सरदाना। समीर से 7 मोबाइल और 5 पासपोर्ट जब्त। हाल ही में किया था इस्लाम धर्म कबूल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में मार गिराया गया एक आतंकी। दूसरे की तलाश जारी। सीबीआई ने अरबपति इंजीनियर यादव सिंह को किया कोर्ट में पेश। 6 दिन की कस्टडी में भेजा गया यादव सिंह। सीबीआई के पास यादव सिंह की 39 प्रॉपर्टीज का विवरण। दिल्ली के एसआरसीसी में बिजनेस कॉन्क्लेव 2016 के दूसरे दिन कई मसलों पर बोले एयरटेल प्रमुख सुनील भारती मित्तल। कहा फ्लाइंग कार हो सकती है हकीकत। नेट न्यूट्रलिटी का किया समर्थन।
राजौरी के नौशेरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बड़ी संख्या में ग्रेनेड और जिंदा कारतूस किए बरामद। मुंबई के गोरेगांव में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया था आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई में बीती रात वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुआ बेकाबू ट्रक, एक अन्य ट्रक को मारी टक्कर, दोनों ड्राइवर जख्मी। भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की छत से गिरने से छात्रा की दर्दनाक मौत, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के पटियाला में महिला ने मनचले को सिखाया सबक, गैस बुकिंग एजेंट को अश्लील बातें करने पर भरे बाजार पीटते हुए पहुंचाया थाने। लखनऊ में भदोही के एसपी विधायक जाहिद बेग की साइकिल ले उड़े चोर, विधायक की साइकिल ढूंढ रही है पुलिस। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में 25 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, कटिहार पहुंचाई जाने वाली थी नशे की खेप। रोहतक में पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर की पति की हत्या, पति का दोस्त था पत्नी का आशिक, दोनों आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कूच विहार में सरेआम महिला के काटे बाल, बेरहमी से की पिटाई, अवैध संबंधों का था आरोप, घटना के वक्त रोती रही महिला, मोबाइल से वीडियो लेते हुए ठहाके लगाते रहे लोग। पंजाब के तरन तारण में 2 किलो हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार, पाकिस्तान से नशे की खेप लेकर आ रहे थे पिता पुत्र। पटना मुकामा रेलखंड के बख्तियारपुर स्टेशन पर रेलवे पुलिस की ज्यादती, बेटिकट सफर करने पर युवक को बेरहमी से पीटा। बुलंदशहर में डीएम बी चंद्रकला के साथ सेल्फी खिंचवाने की कोशिश करना पड़ा युवक को महंगा, डीएम ने युवक को भिजवाया जेल। सूरत में 29 जनवरी को हुए सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, बाइक सवार युवक को महिंद्रा एसयूवी कार ने मारी टक्कर। पश्चिम बंगाल में पंचायत के फैसले में दखल देना पुलिस को पड़ा भारी, गांव वालों ने घंटों तक बनाए रखा बंधक, हवाई फायरिंग कर जान बचाकर भागे पुलिस वाले। विश्व विजेता टीम चुनने के लिए आज सिलेक्शन कमेटी करेगी माथापच्ची, वर्ल्ड टी20 और एशिया कप के लिए होगा टीम का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम में बड़े बदलाव की उम्मीद कम, मनीष पांडे, रहाणे और हरभजन को लेकर असमंजस। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लगाई बीसीसीआई को फटकार, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए दिया 3 मार्च तक का वक्त। रवि शास्त्री ने की विराट कोहली की तारीफ, कहा कोहली का बैटिंग स्टाइल दिलाता है उन्हें विवियन रिचर्ड्स की याद। अब रविंद्र जडेजा ने घर बसाने का किया फैसला, आज राजकोट में होगी रीवा सोलंकी के साथ सगाई। तेज गेंदबाज वरुण अरोन भी शादी के बंधन में बंधे, जमशेदपुर की रहने वाली रागिनी सिंह के साथ सेंट मैरी चर्च में की शादी। कनाडा के पहले सिख रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन पर संसद में नस्लीय टिप्पणी, कंजर्वेटिव सांसद ने कहा हरजीत के बोलने पर पड़ती है अंग्रेजी से अंग्रेजी ट्रांसलेटर की जरूरत। आज लंदन में सीरिया डोनर्स कॉन्फ्रेंस 2016 की होगी शुरुआत, शरणार्थी संकट से निपटने के लिए $1 बिलियन जुटाने की चुनौती। सोमालिया से उड़ान भरने के बाद डालो एयरलाइंस का विमान हुआ हादसे का शिकार, एक यात्री की मौत, उड़ान के दौरान विमान में हुआ था धमाका। चीन में नए चंद्रवर्ष की तैयारियां जोरों पर, 8 फरवरी को होगा चंद्रवर्ष, पर्यटकों के लिए कई प्रांतों में खूबसूरत रोशनी के इंतजाम। अमेरिका के एरिजोना की पहाड़ियों में जगुआर की तस्वीरें हुई रिमोट सेंसर कैमरे में कैद, अमेरिका का एकमात्र जंगली जगुआर होने का दावा। बिहार के 60 दलित छात्रों की खुदकुशी की खबर आज तक पर दिखाए जाने के बाद बिहार सरकार हरकत में आई। बिहार सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति की रकम की पहली किश्त 17,39,770